तो हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बजट सत्र जो हरियाणा का आज से शुरू हुआ है 10 मार्च तक चलेगा, 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ इस मुद्दे पर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ललित, पहला दिन था अभिभाषण हुआ राज्यपाल का, उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की, लग रहा है कि 10 मार्च तक हंगामा खूब होगा इस बजट सत्र में। गौरव, निश्चित तौर से, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अगर हम मुद्दों की बात करें, जाट आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है और SOIL का मुद्दा है जिसको लेकर NLO है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर है और कहीं ना कहीं जो सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अलग और इश्यूज है जैसे जो टीचर्स की भर्ती का मामला हो या फिर जिस तरह से जॉब फॉर स्कैम का मामला हो या फिर अभी जो रिसेंटली जो मामले आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको लेकर तमाम बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेकर जो विपक्ष है सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन अगर साफ तौर पर गौरव बात करें, SOIL का वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष है सरकार को आड़े हाथ ले रही है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरह से घटनाक्रम चला है पिछले 1.5 से 2 महीनों में, इनेलो लगातार सरकार को घेरती आई है और 23 तारीख को जब उन्होंने नहर खोदने के लिए कूच किया था और जब शंभू बॉर्डर से इनेलो को अरेस्ट कर दिया था, उसके बाद आज पटियाला सेंट्रल जेल से उन्हें छोड़ दिया गया, उस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं जो इनेलो है जल मुद्दे पर अपनी जो साख है उसको वापस लौटाते हुए एक अपनी से कोशिश कर रही है कि आम जनता के बीच उस इंप्रेशन को डाला जाए। और साथ तौर पर गौरव, अगर हम बात करें जिस तरह से आज अभय सिंह चौटाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने कड़े तेवर दिखाते उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने की पुरजोर तरह से कोशिश की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक अगर प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं तो 15 तारीख को वो संसद की तरफ मार्च करेंगे और संसद का घेराव करने बिल्कुल की कोशिश। तो जिस तरह से अब पूरे तस्वीर नजर आती है, लग रहा है कि हंगामेदार जो बजट सत्र है वो रह सकता है। मुद्दे बहुत से हैं जिस पर विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि सरकार को घेरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी कह रही है कि पूरी तैयारी है, हर सवाल का जवाब देंगे। देखना होगा कि बजट सत्र हरियाणा में किस तरह से आगे चलता है। ललित, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।